आज का ये आंदोलन ये कोई एक दिन का आंदोलन नहीं होने वाला है। ये अडानी कंपनी के लोग सुन ले इस बात को कि अगर उनको लगता है कि ये आंदोलन सिर्फ आज आएगा आपके दरवाजे पे, आपको एक निवेदन देकर के चला जाएगा, तो ये आपकी सोच जो है ये गलत सोच है। हम इस आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने जैसा इस देश को स्वतंत्र दिलाया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हम इसको रंग देंगे और मीरा भाईंदर के अंदर की जनता को आह्वान करेंगे कि इस कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना बंद कर दे। और अगर ये कंपनी के लोग जाकर के अगर कंज्यूमर के मीटर को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हम जनता से आह्वान करेंगे कि ऐसे अधिकारियों को मार के भगाइए। अगर इस अडानी कंपनी ने ये जो दर उन्होंने बढ़ाया है, टैरिफ बढ़ाया है, रुपये का सीधा 2 रुपया कर दिया है, अगर इसे तुरंत कम नहीं किया तो मीरा भाईंदर का हर कंज्यूमर इस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को अपना बिल भरने से नकारेगा। और इसकी शुरुआत हम लोग जनवरी से करेंगे। आपको अगले 10-15 दिन का समय हम देने वाले हैं। हम जानते हैं कि चौकीदार जो चोर है, अडानी उसका पार्टनर है। चौकीदार चोर है और अडानी उसका पार्टनर है। तो ये चोर और पार्टनर की जो दलाली का धंधा इस देश में चल रहा है, गरीब आवाम और गरीब जनता के जेब पे जो डाका डाला जा रहा है, लोगों की रोजी रोटी पे जो डाका डाला जा रहा है, इसे रोकने का काम कांग्रेस करेगी। कांग्रेस पार्टी। दोस्तों, चौकीदार ने इस देश को बेचने का काम कर दिया है, या आपने हमने सबने देख लिया। लोगों को लगता था कि कांग्रेस भ्रष्ट है, स्कैम है, कोल स्कैम है, फला स्कैम है, ढींगरा स्कैम है, मगर 4.5 साल की सरकार राज्य में भी और केंद्र में भी भाजपा की होने के बावजूद एक भी स्कैम, चाहे महाराष्ट्र के अंदर का इरिगेशन का स्कैम हो या केंद्र के अंदर का कोल का स्कैम हो, एक भी स्कैम को प्रूफ करने का ताकत इन दोनों सरकारों के पास नहीं रही, क्योंकि स्कैम हुआ ही नहीं था, क्योंकि स्कैम हुआ ही नहीं था। मगर वो कहावत है ना कि अगर 100 बार झूठ को भी कहा जाए तो लोगों को लगता है कि ये सच बात है। तो लोग गुमराह हुए, लोगों को लगा सही है, कांग्रेस जो है इतने साल से सत्ता में थी, कांग्रेस ने ये स्कैम किया होगा। अगर स्कैम किया होता तो आप में अगर हिम्मत थी तो चिदंबरम जी को भी उठा के जेल में बंद करने चाहिए था। अगर आप में हिम्मत थी तो वडेरा जी को भी जेल में उठा के बंद करना चाहिए था। अगर आप में हिम्मत थी तो राष्ट्रवादी के अजीत पवार साहब को भी जेल में डालना चाहिए था, मगर किसी को आपको जेल में डालने की आपकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि कहीं पे स्कैम ही नहीं हुआ। आपने मीडिया को खरीद लिया। आज इस देश का 100% मीडिया के अंदर, 100% मीडिया के अंदर 90% शेयर किसका है मालूम है आपको? रिलायंस का है, मुकेश अंबानी का है। और इसीलिए आप लोग देखते हैं कि टीवी पे एडिटर नहीं बैठे होते, टीवी के ऊपर जो एडिटर एंकर का काम करते हैं वो लगता है कि प्रवक्ता बैठे हैं, वक्ता बैठे हैं भाजपा के, नरेंद्र मोदी के बारे में, इस सरकार के बारे में एक अल्फाज, कहीं गलत बात, कहीं सच्चाई बात लोगों के सामने लाने के लिए तैयार नहीं है। ये BSES कंपनी थी, आप लोग जानते हो, अनिल अंबानी ने खरीदा, 5,000 करोड़ में खरीदा, और अभी अडानी को 18,000 करोड़ में बेच दिया। ये 18,000 करोड़ रुपए आए कहां से? अनिल अंबानी के पास, जो आदमी के ऊपर 36 से 40 हजार करोड़ रुपए का कर्जा है, अनिल अंबानी के ऊपर 36 से 40 हजार करोड़ रुपए का कर्जा है। अब वो कर्जे को चुकाने के लिए इस चौकीदार ने क्या किया, क्या रफेल की डील का काम उसको दे दिया, जिसमें से 40 हजार करोड़ रुपया आम जनता के जेब का पैसा निकाल करके अनिल अंबानी के जेब में डाल दिया। अनिल अंबानी ने क्या किया, ये BSES कंपनी जो रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी थी वो 18,000 करोड़ रुपए में अडानी को बेच दिया। और अडानी क्या कर रहा है,
वो 18,000 करोड़ रुपया एक ही महीने में मुंबई सबब से लेके तो मीरा भाईंदर तक यहाँ पे जितने कंज्यूमर्स हैं इनके जेब में डाका डाल करके वो वसूल कर रहा है, डाका डाल के वसूल कर रहा है। आज इस शहर के अंदर वन रूम किचन में सिंगल रूम में छोटे मोटे स्लम्स के अंदर छोटे घरों के अंदर यहाँ पे 500 रुपए का बिल आता था, 1,000 रुपए का बिल आता था, दुकानदार का 250-500 रुपए का बिल आता था। आज एक महीने में वो 500 रुपए का बिल 1,500 रुपए का हुआ है। हुआ या नहीं हुआ है? हाथ उठा के बताइए हुआ या नहीं हुआ? भाई आप लाइट का बिल नहीं भरते हो क्या? साइड में जो लोग खड़े हैं लाइट का बिल बढ़ा है नहीं बढ़ा है? अरे वो मंदिर का बिल भी बढ़ा है। ये 500 रुपया 1,000 रुपया हुआ, 1,500 रुपया 2,000 रुपया हुआ, 2,000 रुपया 5,000 रुपया हुआ है, और 22,000 रुपया बताइए आप, 22,000 रुपया। ये जो बिल इन्होंने बढ़ाया है ये लोगों के जेब के ऊपर डाका डालने का काम किया। 15 लाख रुपए आएंगे, 15 लाख रुपए तो आए नहीं, 15 लाख रुपए तो आए नहीं, मगर इस देश का 1,00,000 करोड़ रुपए लेकर के सारे मोदी और मलाया भाग गए, मलाई खा के भाग गए और मोदी जी गुड़ लगा के भाग गए। 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गया? क्या आया? लेकिन 1,00,000 करोड़ रुपया आपका चला गया। 15 रुपए हर अकाउंट को आपके आधार कार्ड से लिंक करो, ये करो, वो करो, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो करने की आपको जरूरत नहीं है। आज आप बैंक में से पैसे निकालते हो तो बैंक चार्ज करती है, करती है कि नहीं करती है? एटीएम से पैसा निकालते हो तो बैंक चार्ज करती है। हर ट्रांजैक्शन के लिए, एवरी ट्रांजैक्शन के लिए आपके ऊपर एक टैक्स लगता है। ये टैक्स कौन सा है? गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। ये हालत इस देश की है कि अगर आपने आवाज उठाई तो आपके ऊपर कोई रेड गिरेगी, कोई पुलिस वाला आकर के आपको धमकाएगा, या जीएसटी की रेड गिरेगी या वैट की रेड गिरेगी। क्या कहा गया कि जीएसटी आने से वन टाइम टैक्स होगा, सिंगल टैक्स होगा, सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया, और उसके बाद में वैट के अधिकारी पीछे आते हैं व्यापारियों की दुकान पे और बोलते हैं कि अभी आपका पिछले 5 साल का 8 साल का स्क्रूटनी करनी है, आप 10 लाख रुपए अनाउंस करो, जाहिर करो, पेनल्टी के साथ पैसा भरो। बोलते हैं नहीं बोलते? आते हैं कि नहीं आपके यहाँ पे? तो ये जेब पे डाका, कारोबार पे डाका, घर में जो बिजली आ रही थी वो बिजली के ऊपर भी डाका। ये डाकेदार, डाका मारने वालों की सरकार है, ये आपके रोजी रोटी के ऊपर डल्ला मारने वाले की सरकार है। और अडानी ग्रुप को हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने इस तुरंत इस चीज को वापस लेना है। हमको कथा मत सुनाइए कि ये टैरिफ लगता है, ये सरचार्ज लगता है, ये अमुक लगता है, ये ढमुक लगता है, ये हमको मत सिखाइए। हम आपके डेलीगेशन लेके नहीं आएंगे, आपके ऑफिस के अंदर चढ़ करके तोड़फोड़ करेंगे। पुलिस वाले भी सुन लीजिए। आपके घर में भी बिजली आती है, आप भी भाड़े पर रहते हो, आपको भी जीएसटी भरना पड़ रहा है, आपको भी लाइट का बिल भरना पड़ रहा है। हम अगर यहाँ पे जमा है तो जनता की आवाज के लिए खड़े हुए हैं। इसलिए पुलिस वालों से विनती है कि हमको रोकने का काम बिल्कुल मत कीजिएगा, बल्कि इस कंपनी को कहिए कि जो टैरिफ बढ़ाया है उसको कम कीजिए। और अगर उन्होंने नहीं किया तो ये शहर को हम बंद करेंगे, इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ा होगा, ये शहर का हर कंज्यूमर लाइट का बिल भरना क्या करेगा? लाइट का बिल भरना जनवरी से हम सब बंद करेंगे। और अगर एक कंपनी का आदमी लाइट का कनेक्शन काटने आया तो उसे मारे बगैर जनता नहीं चुप बैठेगी। क्या तमाशा लगा? मुख्यमंत्री आते हैं शहर में, 2016 में आते हैं, पेट्रोल डीजल गैस के दर बढ़े हुए हैं। क्या आपको मालूम है कि हिंदुस्तान, हमारा देश जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है वो दूसरी दुनिया में, दूसरी 15 कंट्रियों को हम लोग 38 रुपया गैलन से हम लोग अपना क्रूड ऑयल बेचते हैं। और हम जो क्रूड ऑयल लाते हैं उसके ऊपर हम कस्टम्स लगाते हैं, उसके ऊपर हम एक्साइज लगाते हैं, और इसी के लिए उसका दर 90 रुपया हुआ है। आपका गैस का भाव बढ़ गया, जामनगर जाइए, जामनगर
जामनगर जाइए, 25,000 एकड़ के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज का सीएनजी के प्रोजेक्ट लगे हैं, ऑयल के प्रोजेक्ट लगे हुए। आप लोगों ने हमने सपने देखा कि रिलायंस के पेट्रोल पंप कांग्रेस के राज्य में बंद हो गए थे। बंद हुए थे कि नहीं हुए थे? आज कैसे चालू हो गए? आज ये चौकीदार ने क्या कर दिया? देश के खजाने को खोल के दे दिया कि लूटो अली बाबा 40 चोर लूटो। आज सारी जगह रिलायंस के पेट्रोल पंप चालू हो गए, रिलायंस के सीएनजी के पेट्रोल पंप चालू हो गए। ये कैसे हुआ? कांग्रेस के ये लोगों ने हाथ पैर जोड़ा, मगर कांग्रेस ने ये कभी नहीं किया, मगर इन्होंने देश को बेच दिया। पेट्रोल डीजल केरोसिन गैस के भाव बढ़ा दिए, आपकी रोजी रोटी बंद करवा दी, रोजगार कम करवा दिया, काश्तकार शेतकरियों के आत्महत्या बढ़ गई, बैंकों ने लोगों को कर्जा देना बंद कर दिया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो गई, लाखों करोड़ रुपया एनपीए डिक्लेयर हो गया। परसों ही देखो गवर्नर ने क्या किया, अर्जित पटेल ने ट्वीट किया और ट्विटर में लिखा उन्होंने कि मुझे मुकेश अंबानी की लड़की में नाचने के लिए कहा गया, इसीलिए मैंने राजीनामा दिया है। शेम, शेम है, शेम। क्या इस देश के गवर्नर को तुम एक इंडस्ट्रियलिस्ट की लड़की की शादी में नाचने के लिए कहते हो? आपने कल सबने देखा होगा, व्हाट्सएप पे देखा होगा, वीडियोस आए होंगे, अमिताभ बच्चन खाना खिला रहे, कितना बड़ा लेटर, आमिर खान खाना खिला रहा है। मतलब इस देश का नामावंत फिल्म एक्टर, नामावंत इंडस्ट्रियलिस्ट, नामावंत लीडर्स, आपने सबको अपने घर के अंदर नौकर बना के रखा। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज वाले, और ये किसके पार्टनर है? इनको इतना बड़ा बनाने का काम किसने किया है? तो ये चौकीदार ने किया है। तो हम चौकीदार चोर है बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? इस चौकीदार ने, अब महाराष्ट्र का चौकीदार, जैसा बड़ा भाई वैसा छोटा भाई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी मीरा भयंदर में हर महीने आते हैं, हाईवे पे कोई एक होटल है वहां जाते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। अब वहां से बैग भरा जाता है, गाड़ियों में रखा जाता है, माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है। 2016 में आए एक मेट्रो का डब्बा देके गए, 2017 में आए एक मेट्रो का डब्बा देके गए, 2018 में आए फिर एक डब्बा देके गए, और अभी 3 डब्बे देकर के गए हैं। अभी प्रधान जो है 18 तारीख को कल्याण में आ रहे हैं। तो मीरा भयंदर की मेट्रो का इनॉग्रेशन किधर हो रहा है? कल्याण में हो रहा है। मीरा भयंदर की मेट्रो का इनॉग्रेशन किधर हो रहा है? कल्याण में हो रहा है। और आपको व्हाट्सएप आता होगा, वीडियो आता होगा, फेसबुक पे आता है कि हमने जो वचन दिया हम वचन पूरा कर रहे हैं। अरे भाई, वचन तो 2017 के लिए भी दिया था, 2018 के लिए भी दिया, फिर 2019 भी बोला, अभी 2022 बोलते हैं। अरे ये मुंबई के अंदर और एमएमआरडीए रीजन के अंदर जितनी मेट्रो का काम चल रहा है, ये आप लोग को मालूम नहीं होगा कि ये मनमोहन सिंह जी जब पंत प्रधान थे और पृथ्वीराज चौहान जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थे, उस वक्त पूरे देश में ये मेट्रो का नियोजन किया गया, जापान गवर्नमेंट से कर्ज लिया गया, और तब जाकर के 2008-09-10 के अंदर मेट्रो का काम शुरू हुआ। आज भी जो कल्याण में पंत प्रधान आकर के इनॉग्रेशन करेंगे, भूमि पूजन करेंगे, ये काम इनका किया हुआ नहीं है, ये काम कांग्रेस का किया हुआ है। और ये इस शहर में भी मेट्रो लाने का नियोजन अगर किसी ने किया था तो विलासराव देशमुख जी ने किया था, पृथ्वीराज चौहान साहब ने किया था। और ये भी सुन लीजिए कि इस शहर में मेट्रो भी लाएगा कोई और उसको चालू भी कराएगा कोई, तो कांग्रेस की ही सरकार कराएगी। आप तो भयंदर से महिला लोकल चलती थी 9:06 की, वो बंद करवा दिया आपने वो बंद करवा दिया। नई रेलवे लाइन 5 साल में आप नहीं बिछा सके, नया स्टेशन का आप लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार कर सके, जो काम कांग्रेस ने किया है, एलिवेटर का, लिफ्ट का मंजूरी हम लोगों ने लाई, हमको मालूम है कितनी एलिवेटर है और कितनी लिफ्ट है। तुम तो बोगस व्हाट्सएप पे न्यूज फैलाते हो और जाके भूमि पूजन करते हो, रेलवे का कोई अधिकारी वहां मौजूद नहीं, और बोलते हो कि 7 एस्केलेटर लगने वाला। अरे भाई साहब, झूठ बोल पर नीट बोल,
झूठ बोल पर नीट बोल, जाके मालूमात तो लो कि कितने एलिवेटर और कितनी लिफ्ट मंजूरी हुई है, और अगर नहीं मालूमात मिलती है तो हमसे पूछो, हम बताते हैं कि 4 एलिवेटर और 4 लिफ्ट हुई है, 7 नहीं हुई है। और इसे करने के लिए 2015-16 में हम लोगों ने प्रस्ताव दिया, और रेलवे का क्योंकि 5 वर्षीय कार्यक्रम होता है तो 2018-19 के अंदर उसकी बजेटरी प्रोविजन होकर के इस साल काम चालू होगा। आमदार ने क्या कहा कि 1.5 महीने में एस्केलेटर लिफ्ट बन के तैयार हो जाएगी। 1.5 महीने के बाद मीडिया वाले सुन लीजिए, जाके पूछिएगा कि 7 एस्केलेटर और लिफ्ट कहां पर है और बन करके कहां गायब हो गई। ये झूठ बोल पर नीट बोल, झूठ बोलने के सिवा कारोबार नहीं। दिल्ली में बैठा हुआ चौकीदार चोर है, महाराष्ट्र में बैठा हुआ मुख्यमंत्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और यहां बैठा हुआ आमदार इस शहर को लूटने का काम करता है। आज की भाजपा की आवाज नहीं निकल रही इस शहर में अडानी के खिलाफ, क्योंकि अडानी इनके पंत प्रधान का पार्टनर है, बीजेपी का पार्टनर है, बीजेपी का स्पॉन्सरर है। अगर इनमें हिम्मत है भाजपा वालों में तो अडानी के ऑफिस के ऊपर मोर्चा निकाल के दिखाए, अडानी के ऑफिस के ऊपर मोर्चा निकाल के दिखाए। तुमको जनता ने चुन के दिया था, इसके लिए नहीं दिया था कि 500 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का बिल 5000 रुपए का हो जाए। तुम जनता की आवाज हो, तुमको लोगों ने चुन के दिया, तुम जनता की आवाज नहीं हो, तुम चोरों की आवाज हो, तुम इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की आवाज हो, तुम जनता की आवाज बिल्कुल नहीं हो। मेरा चैलेंज है इन लोगों को कि अगर तुम जनता की आवाज हो तो इस दर को कम करके दिखाइए। अगले 15 दिनों में भाजपा के सत्ताधारियों ने, राज्य की सरकार ने इस इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करना चाहिए था, अन्यथा हम जनता जो है रास्ते पे उतरेगी और लॉ एंड ऑर्डर का पूरी जिम्मेदारी वो सरकार की होगी, इस अडानी कंपनी की होगी। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम जनवरी से चलाएंगे। आने वाले 20 तारीख को 9:06 की जो महिला लोकल स्पेशल ट्रेन थी उसको चालू करने के लिए हम 20 तारीख को रेल रोको आंदोलन करने वाले हैं, रेल रोको आंदोलन करने वाले हैं। अगर आपको पुलिस ने आके कहा, रेलवे पुलिस ने कहा अरे तुम अरेस्ट हो जाओगे, तो बोला बिल्कुल हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, मगर इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। हम क्या करेंगे, इतनी आवाज ठंडी हो गई, चिल्ला चौकीदार चौकीदार, अब ये अडानी के ऑफिस पे हमला बोल रहा है, चलिए उस तरफ,